नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शमशेर शेख। आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं साई न्यूज 24/7 लाइव, सच की आवाज। आइए आपको रूबरू करवाते हैं कुछ अहम खास मुद्दों पर। बड़ी खबर, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर जागरूकता रैली और संगोष्ठी व 16 दिवसीय महिला हिंसा विरोधी पखवाड़े का हुआ भव्य समापन। वाराणसी अराजी लाइन विकास खंड के मेहंदीगंज ग्राम पंचायत के शिवचरण स्मारक इंटर कॉलेज में 16 दिवसीय महिला हिंसा विरोधी पखवाड़े के अंतिम दिन विद्यार्थियों द्वारा जन जागरूकता रैली और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वाराणसी सजाद खान की रिपोर्ट। सबको नाश्ता दिया जाएगा और उसके बाद छुट्टी। तो उषा भाई, आप अपने दो शब्दों में। सबसे पहले तो हमारे बीच में आज सब लोगों ने बताया कि औरत की गोद में किस रही है और आपको जानकर के हैरत होगी कि पता नहीं सब लोगों ने कि इसी साल हजार 2022 में ग्लोबल हजार ग्लोबल को अगर अचीवमेंट अवार्ड मिला है तो आज ऐसी मेहनत कर रही है कि नहीं कर रही है, तो क्या हिंसा सहना है, क्या हिंसा बर्दाश्त करना है, हिंसा रोकना होगा। जी हिंसा का प्रयोग करते हैं उसी के विरुद्ध ये जो है हमारा अभियान चल रहा है जी। और एक पखवाड़ा है जिसमें जो है पूरे पखवाड़े में इसी प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, उसी के अंतर्गत हम लोग इसमें जा रहे हैं। क्या जागरूकता इस कार्यक्रम से जनता को देने का कार्य किया जा रहा है जो? हाँ, इससे बिल्कुल ये हमारी बच्चियाँ हैं और बच्चे को जागरूक किया जा रहा है कि हिंसा किसी के साथ भी हिंसा का प्रयोग न हो और जो हमारी बच्चियाँ हैं उनके साथ उनको जो हमारे जो एंटी रोमियो और ये सब हम लोग जो चला करते हैं प्रोग्राम प्रतिदिन जो है हमारे जो महिलाएं हैं हमारे जो सब इंस्पेक्टर हैं और हमारे आरक्षी हैं वो जा करके गाँव गाँव घूम करके इनको शिक्षित करती हैं और इनको हिंसा के विरुद्ध होती है।
खड़े होने के लिए प्रेरित करते हैं। माननीय सीएम योगी जी का आज एक आदेश जारी हुआ है कि एक चौराहे पर अगर छेड़खानी किया जाएगा तो दूसरे पे ढेर किया जाएगा, इस पर क्या आपके पुलिस विभाग किस प्रकार कार्रवाई करेगी? हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं इस प्रकार की, अगर इस प्रकार की कोई घटना होती है तो हम लोग बहुत कठोरता से इसको करेंगे, उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे और हम लोग लगातार कर भी रहे हैं। मैडम, आज किस प्रकार का कार्यक्रम विद्यालय में आयोजित हुआ है? आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर इन बच्चियों को और इन सारे बच्चों को जो स्कूल में अभी उपस्थित हैं, एनजीओस के मदद से एक 16 दिवस के कार्यक्रम के मतलब आखिरी दिन में समापन दिवस में जी इनको अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए एक प्रोग्राम रखा गया है। इसमें इनके अधिकारों के बारे में और साथ ही साथ इनके दायित्वों के बारे में देश के प्रति, क्योंकि ये हमारे देश का भविष्य है जी, तो अल्टीमेटली एम ये है कि जो महिलाओं के प्रति और जो बच्चियों के प्रति विभिन्न प्रकार की समस्याएं और घरेलू हिंसा देखी जाती है उनकी रोकथाम के लिए है। इनको पॉक्सो के बारे में अवेयर किया गया, चाइल्ड मैरिजेस कैसे प्रिवेंट की जाए उसके बारे में अवेयर किया गया। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बिंदु है जो कि साइबर क्राइम है और महिला छेड़खानी को प्रिवेंट करने के लिए भी इन लोगों को बताया गया कि किस तरीके से एंटी रोमियो और मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश पुलिस की काम कर रही है। इसके अलावा इनको रानी लक्ष्मीबाई योजना के बारे में बताया गया, तो इस तरीके से इनको एक जनरल अवेयरनेस क्रिएट की गई कि किस तरीके से इन्हें आगे अपना भविष्य सिक्योर करना, एजुकेशन पर ध्यान देना और अपना उज्ज्वल भविष्य सिक्योर। धन्यवाद। उस तरह